ओम शांति। 11/7/2024 मधुर संतान गण, शून्य अवस्था अर्थात अशरीर हेबार यहाँ ही उपयुक्त समय अटे। यही भली अवस्था रे रहिबार अभ्यास कर। प्रश्न, सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन एवं तहार प्राप्ति किपरि हेबो? उत्तर, संपूर्ण सिविलाइज बा सतप्रधान हेबा ही सबुठारु उच्च लक्ष्य। जेतेबेले कर्मेन्द्र गुड़िक टिके भी चंचलता न आसीबो सेतेबेले जाय तुम्हें संपूर्ण सिविलाइज या सतप्रधान हेबो। जेतेबेले एही भली अवस्था होइजिबो सेतेबेले जाय विश्वर राजत्व मिली पारिबो। गायन मध्य रहिछि चढ़े तो चखे वैकुंठ रस, अर्थात राजा मानक राजा हेबो नचेत प्रजा हेबाकु पड़िबो। एबे निजकु जांच कर, मो वृत्ति किभली अछि, मो द्वारा कौनसी भूल हेउ नहीं तो? ओम शांति। एठारे तुमको आत्म अभिमानी होई बसिबाकु हेबो। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती निजकु आत्मा निश्चय कर। एबे बाबा ऑलराउंडर दादी को पचारुछंती सत्य जुगरे आत्मअभिमानी होइथांती ना देह अभिमानी? सेठारे ऑटोमेटिकली आत्मअभिमानी होई रुहंती। घड़ी घड़ी मने पकाइबा दरकार हुए नाही। हाँ, सेठारे एकथा बुझी पारंती जे एबे ए शरीर बड़ होइकला, वर्तमान एहाकु छाड़ी आउ गोटे नुआ शरीर नेबाकु हेबो। जेपरी सर्पर उदाहरण रहिछि सेहीपरि आत्मा मध्य ए पुरुणा सर छाड़ी नुआ नहीं थाए। भगवान उदाहरण दे बुझाउछंती, तुमको सब मनुष्य मानक ज्ञानर कथा सुनाई सुनाई निज समान ज्ञानवान करिबाको पड़िबो, जहाद्वारा सेमाने परिस्थान निर्विकारी देवता होइजिबे। सबुठारु उच्च पाठपढ़ा हेउछि मनुष्यर देवता हेबा। गायन मध्य रहिछि ना, मनुष्य को देवता किए करत? देवता माने करि नथिले भगवान ही मनुष्य को देवता करिथांती। मनुष्य ही एक कथा जानि नहंती। तुमको सब जगह पचारुछंती आपणकर लक्ष्य उद्देश्य कौन? तबे लक्ष्य उद्देश्य एक छोट पर्दा कहीं न छपाइबा, जेपरी पचारुछंती तांकु पर्चा दे दियो सेथुर से बुझिजिबे। बाबा बहुत भल भाबरे बुझाउछंती। वर्तमान यह कलिजुग पति दुनिया जेउठारे महान अपरम अपार असीम दुख रहिछि, एबे आमे मनुष्य मानुकु सत्ययुगी पवित्र महान सुखधाम को नै जाय पई सेवा करुछु बा रास्ता बताउछु। एपरि नुहे जे आमे अद्वैत ज्ञान देउछु, दुनिया रे शास्त्रर ज्ञान को अद्वैत ज्ञान बोले भाबुछंती। वास्तव रे ताहा कोनसे अद्वैत ज्ञान नुहे, अद्वैत ज्ञान लेख्या मध्य भूल। मनुष्य मानक भल भाव बुझाइबक हेब, एपरि लेखा छपा हेउ जहाद्वारा शीघ्र बुझिजिबे जे एमानकर लक्ष्य उद्देश्य कौन। कलिचुकी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य मानक आमे अपार दुखरु बाहर करि सत्ययुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुख दुनिया को नहीं जाऊछु। बाबा एही रचना लेखिया पई पिला मानक देउछंती, रचना स्पष्ट रूपे लेखिबाकु हेब। सबु स्थान रे तुमर एही भली लेखा सब रखिबा कहबो, जहाकु तुरंत बाहर करि ताकु देई देबा दरकार, तेबे बुझी जिवे जे आमे दुख धाम रे अछु। एबे पति तो दुर्गंधयुक्त हो जाइछु, मनुष्य माने केही बुझु नांती जे आमे कलिजुग पति तो दुख धाम रो मनीष। एमाने आमको अपार सुख को नै जाउछंती, तेणु एही परि एक भला पर्चा तयारी करबाकु हेबो, जमिति बापा छपाई थिले तुम्हें माने सत्ययुगी अट ना कलिजुगी। किंतु मनुष्य माने बुझी पारंती, रत्न को मध्य पत्थर भाभी फोपाड़ी देउछंती, यह होची ज्ञान रत्न। से माने भावुछंती शास्त्र रे ज्ञान रत्न रहिछि, तुम्हें एभली सुंदर स्पष्ट भाव रे कुह जेपरी से माने बुझी जिवे एठारे अपार दुख रहिछि। दुखर मध्य लिस्ट बाहर कर, सही लिस्ट रे अति कम रे 101 प्रकार दुख लेखा हे थाउ। यही दुख धाम रे अपरम अपार दुख रहिछि, ए सब कथा लेख, सारा लिस्ट बाहर कर। अन्य पक्षरे पुणे अपार सुख, सेठे दुखर नाम ही रहिबो नाही। आमे सही राज्य अर्थात सुखधाम रो स्थापना करुचु, जहाँ फल मनुष्य मानकर मुह जल्दी बंद हो। एक कहीं बुझी नहांती जे दुखधाम से स्वर्ग बोली भावि नहीं।
बड़ बड़ महल नुआ नुआ मंदिर आदि तैयारी करि चली छंती एक जाणी जे एसबू समाप्त हो पैसा तो सेम लाच रूप से बहुत मिलू बाबा बुझाऊंजे एसबू हो मायर विज्ञान अहंकार मोटर उड़ाजहाज आदि यह सब मायर आडंबर यह नियम रही जितेबले बाबा स्वर्गर स्थापना करते माया मध्य निजर चमत्कारिता देखा थाए यह मायर पंप एबे तुम्हें संतान माने विश्व शांति स्थापन करुछ जदि केउठारे मायर प्रवेशता हो जाउछि तबे पिला मानकर मन निज को खाई थाए जेतेबेले केही कहार नाम रूप आकर्षण आकर्षित हो जाउछंती सेतेबेले बाबा बुझाउछंती यहा क्रिमिनलाइजिंग अर्थात विकारी दृष्टि तम प्रधानता कलीजुग हे क्रिमिनलाइजेशन बा तम प्रधान दुनिया सत्य युगर हे सभ्य समाज अर्थात निर्विकारी दुनिया यही देवता मानक सम्मुखें समस्त नतमस्तक होती आप निर्विकारी आम सब विकारी एथिपाई बाबा कहते प्रत्येक निजर अवस्था को देख बड़ बड़ भल भल महारथी मानक देखा दरकार जे आमर बुद्धि कहार नाम रूप आड़क जाऊना तो अमुक बहुत भल एमती करी कि अंतरे आसुची एक तो बाबा जानी जे ए समय संपूर्ण सभ्य कई नहांती कर्मेन्द्रिय टिके भी चलायमान न हो एथिरे बहुत मेहनत रही किंतु यहीपर बहुत कम होता आखि किसी ना कि धोखा निश्चित तो देमा शीघ्र क्या सभ्य देव ही नहीं खूब पुरुषार्थ कर निज को जांच करने को हेब आमर आखि धोका देना तो विश्वर मालिक हेबापी बहुत बड़ लक्ष्य चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस अर्थात राजा मानकर राजा हे पतित हेले प्रजारे चली आजिकल को तो कहे बिकारी जमाना या दुनिया जदिओ के बड़ लोक हो राणी मनरे डर रोचे जे कही मोते बोमारे उड़ाई न दे वर्तमान प्रत्येक मनीष अशांति अच्छा कही कही संतान माने केते अशांत करुछंती तुम्हें शांति स्थापन करुछ तेणु प्रथम निजे तो शांति रुह ताहले अन्य मानक ठारे मध्य ए शक्ति भरिब सेठार अर्थात स्वर्ग तो बहुत शांति राज्य चले दृष्टि सिविल बा निर्विकारी होइथाय तेणु बाबा कहउछंती निज को जांच कर मो आत्मार वृत्ति आज किपरि रहिला एथेरे बहुत मेहनत रही निज को संभालिबा को हेबो कहीं कहीं बेहद्र बाबा को मध्य केबे भी तो सत कहुना पाद पाद रे भूल हो जाउछि टिकिए भी जदि से पाप दृष्टि देखिल भूल हो गला तुरंत नोट कर अभूल न हेबा पर्यंत 10-20 टा भूल तो प्रतिदिन करुथिबो परंतु सत कही कहूना देह अभिमान मानक द्वारा किसी ना किसी पाप निश्चित होता मन को खाऊ कही कही तो बुझी न था भूल क्या कहुए पशु मैंने बुझे कि तुम्हें मध्य ज्ञान को आसिया पूर्वर बानर बुद्धि थी वर्तमान कही 50% कही 10% कही केते परिवर्तित होती यही आखि तो बहुत धोखा दे था आखि हूँ सबुठारु तीक्ष्ण बाबा कहते तुम्हें आत्मा अशरीर आसी शरीर नथिला कौन एबे तुमको जना अच्छे कि यार परवर्ती जन्म क्यों सर नेब क्यों संबंध में जीव किसी भी तो जना पड़ी न थाए गर्भरे शून्य ही शून्य हो रुच आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाए शरीर बड़ हेले जना पड़े तेणु तुमको यहीपरि हो पड़ब बास यही पुराणा सर छाड़ी आमको जीवाक पड़ब पुणी जितेबले सर नेबु तो स्वर्ग रे निजर अभिनय करिबु शून्य हेबार समय हेला वर्तमान जदि आत्मा संस्कार नहीं जाई थाए शरीर बड़ हेले संस्कार प्रत्यक्ष होई थाए एबे तुमको घर को जीवाक हेबो सेथिपाई पुराणा दुनिया रा एही शरीर अभिमान को त्याग करिबाक हेबो एबे तुमको घर को जीवाक हेबो यही शरीर अभिमान को त्याग करिबा को हेबो किछि भी जेपरि स्मृति रे न आसु बहुत कथार बारण रखिबा को हेबो जहाँ भीतर थिबो ताहा ही बाहर को बाहरिबो
शिव बाबा अंतर ज्ञान रही बाबा कहते मोर मध्य पाठ रही मोपाई ही कही था हे ज्ञान सागर महिमा गान करु अर्थ किसी भी जाणी ना एवं तुम्हें अर्थ सहित तो जानु बाकी आत्मार बुद्धि एवं कौड़ी सदृश हो जाए बाबा केते बुद्धिवान कराऊ मनुष्य मानक पाखे तो कोटि कोटि पद्मर धन रही मायर आडंबर ना विज्ञान जो जिनिष सब तुम काम आसव ता से सबुर निर्माता माने मध्य सेठा को जिबे राजा तो होई परिबे नहीं से माने शेष समय तुम पाखक आसिए पुणी अन्य मानक मध्य सिखाइबे एक बाबांक ठारु तुम माने केते सिखुच एकमात्र बाबा ही दुनिया को कोण रु कोण करि देउछंती उद्भावन सबुबेले जणे बाहर करंती पुणी तार विस्तार करिथांती परमाणु बोमार निर्माता मध्य प्रथमे जणे थिला भावुला एथिरे दुनिया विनाश हो पुणी अन्य माने तयारी कर चलिले सेठारे मध्य विज्ञान तो दरकार ना एबे समय अच्छे सब सिखी हुशियार हो बाबांकर परिचय मिलगला पुणी स्वर्ग को आसी चाकर बाकर हेबे किंतु सेठारे समस्ते सुखी हेबे जहा सुखधाम पुणी हेब सेठारे कौनसी रोग दुखर कथा रहिबना ही एठार तो अपरम अपार दुख सेठारे अपरम अपार सुख एबे आमे यहा को स्थापन करुछ दुखहर्ता सुख कर्ता एकमात्र बाबा ही अटंती प्रथमे तो निजर अवस्था मध्य एहिपरि हेबा दरकार केवल पंडित गिरी चलिबो नाही एमिति एक पंडितंकर कहानी अछि कहिले राम नाम कहिले पारि होइ जिवो एहा एहि समर कथा तुमे बाबांकु मने पकाई पकाई विश्व सागरु क्षीर सागर को चली जाउछ एठारे तुम पिलामानकर अवस्था बहुत भल हेबा दरकार जो मानकर जोगबल नहीं पाप दृष्टि रही तेबे से माने ज्ञान सुनाइले कौनसी प्रभाव पड़िबो नहीं सेथिपाई दृष्टि पवित्र हेबा दरकार जदि बाबांकर स्मृति रही काहा को ज्ञान सुनाइबे तेबे तार प्रभाव पड़िबो ज्ञान तरबारे जोगर जोहर दरकार ज्ञान बलरे धन रोजगार हेउची एवं जोग द्वारा शक्ति प्राप्त हेउची एमिति बहुत अच्छा जो मैंने बाबा को बिल्कुल मन पकाती ना बाबा को मध्य जाणी नहांती बाबा कहते मनुष्य मान को बुझाइबा को हेबो कि यह हूँ दुखधाम सत्ययुग हूँ सुखधाम कलीयुग में सुखर नाम ही ना जदिबा अच्छी किंतु काकविष्टा समान अर्थात क्षणस्थायी सत्ययुग तो अपार सुख रही मनुष्य यार अर्थ को मध्य बुझुना मुक्ति पाई केवल माथा पिटी चलुंट जीवन मुक्ति को तो कही जानती ही ना तेणु ज्ञान किपरी दे पारे से तो रज प्रधान समय आसुंट तेबे से पुणी राजजोग किपरी सिखाई पारे एठाकार तो सुख हूँ काकविष्टा समान अर्थात क्षणस्थायी राजजोग द्वारा कौन होता यह जाणी ना तुम्हें पाने जाछ ड्रामा निर्धार्य अच्छी संवाद पत्र तुमर निंदा लिखुचंती एभली तो हेबार अच्छी अबला मानक भिन्न भिन्न प्रकार अत्याचार होता है दुनिया अनेक दुख रही वर्तमान कौन से सुख ना जदिओ केते बड़ धनी भी होतांतु किंतु जदि बीमार पड़गले कि अंध हो गले तेज दुख तो हुए ना दुखर लिस्ट सब लेख ए सबू है रावण राज्य कलीयुगर अंतिम समय कथा सत्ययुगर दुखर गोटे कथा भी हेबना सत्ययुग तो अतिक्रांत हो जाए वर्तमान संगम युग बाबा मध्य संगम युगर ही आसती वर्तमान तुम्हें जानुच पांच हजार वर्ष से आम कि जन्म ने किपर सुखर पुणी दुख को आसुचु जार बुद्धि सब ज्ञान रही धारणा रही से ही बुझिपार बाबा तुम पिलार झोली पूर्ण करायन रही धन दिए धन ना खुटे तो धनवान करू नहांती अर्थात पाखे धन ही ना पुणी मिल हिसाब रही दे नहांती तेबे मिल कहीं वृद्धि किपर हे ये सब हूँ अविनाशी ज्ञान रत्न प्रति कथा तो क्रमानुसार रही यह तुम आत्मिक सेना अटे क्यों आत्मा जाई उच्च पद पाइबे तो आउ आत्मा जाई कोई आत्मा प्रजापद मध्य पाइबे जेपरी कल्प पूर्वर पाई अच्छा मीठा मीठा सिकिल संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश, एक नंबर निज उपर ध्यान देबा पाई सतप्रधान प्रतिपादरे निजर जांच करिबाकु हेबो जे आज मोर मनोवृत्ति किपरि, आखि तो सिभिलिया सतप्रधान होइ रहिला, देह अभिमान वशीभूत होइ केउ केउ पाप करिछि। दुई नंबर बुद्धिर अविनाशी ज्ञानधन को धारण करी दान करिबाकु हेबो। ज्ञान रूपक खड्गरे जोग रूपक शक्ति अर्थात धार निश्चित भावरे भरिबाकु हेबो। बरदान सत्यतार शक्ति को धारण करी समस्तंको आकर्षित करथिबा निर्भय एवं विजयी आत्मा हुआ। तुम्हें पिला माने सत्यतार शक्ति रे शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा अट। सत्य ज्ञान, सत्य पिता, सत्य प्राप्ति, सत्य जुग जोग एवं सत्य गुण, सत्य सर्वशक्ति गुड़िक सबकि तुमको प्राप्त अटे। जदि सर्वदा एत बड़ अधिकारी पणियार निशा रहिबो तेबे एहा प्रत्येक आत्मा को आकर्षित करने को लगे। एहि मिथ्या दुनिया भितर सत्यतार शक्तिशाली आत्मा मैंने विजयी होती तेबे सत्यतार प्राप्ति होची खुशी एवं निर्भयता। सत्य कहुथिबा व्यक्ति निर्भीक होइथाय, ताकु केबे भी भय लागिबो नाही। स्लोगन वातावरण को परिवर्तन करिवार आधार हैला सकारात्मक संकल्प एवं शक्तिशाली मनोवृत्ति। छ ओम शांति।